हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। माय नेम इज़ दोस्तों कार्तिक। काम है ब्लॉग बनाना। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में। तो जैसा कि आपको बताया दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। तो मैं अमूमन ब्लॉग बनाता हूँ डेली लाइफ से जुड़े हुए, जिसमें डेली टास्क रहते हैं। और आज का टास्क यही है कि हमने लोग माताओं को खाना खुना खिला के, मतलब कि दूध वगैरह निकाल के उनसे उनको बार बांध दिया। और अब मैं जा रहा हूँ दूध छोड़ने के लिए। और जो शाम को मैंने आटा दिया दोस्तों पिसाई के लिए, उसको लेने के लिए। और बाबा यहाँ पे आ गए हैं अपने आप ही दूध लेने के लिए। तो इनसे बात करते हैं और दूध देते हैं और फिर आटा लेके वापस आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है दोस्तों आज के इस दिन। चलिए बाबा, राम राम। तमें तो इतु लिया, राम राम करी दिया। राम राम बोला, राम राम। पेंट चुकी की होना जल्दी पे गए हो। तो चलो दोस्तों, ये उठा लिया मैंने, अब इसको लेके जाते हैं घर। 16 किलो। गांव में ना यही फायदा है कि भाई अपना आटा पिसवाओ, उसको खाओ, मजे करो। और यहाँ पे निकलो घर, दो गाय पाली है। तो चलते आगे। चलिए तो ये है डब्बू राम जो बैठा हुआ है सुबह सुबह, डब्बू WW। और ये है ब्राउनी को अपने गौओं से मिलाता हूँ। तो सुबह सुबह बाहर वो बिल्लियाँ घास खा रही हैं और मेरा कैमरा फिर से वो जा रहा है यार, ब्लर देखिए। अरे क्या दिक्कत आ गई है, कंडेंस हो जा रहा है पानी बार बार। चलिए यहाँ पे घास खा रही करेंगे बाद में। हेलो नंदनू, ये नंदनी, वो छोटू और वो छाइबा, इनको सुबह सुबह घास डाल दिया। तो इनका काम भी तो फ्री हो गया, अब जाएंगे घास के लिए, फिर और काम करेंगे। तो दिनचर्या यही है दोस्तों, बाकी चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर आप। बाकी अभी इनकी गौशाला वगैरह साफ करेंगे और उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। और वैसे भी आजकल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, पिछले को साइकिल ठीक की 3 बार तो उसमें पंचर लगाए खोल के, 4 बार पंचर लगा दिए खोल के, फिर भी पंचर टिक नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या परेशानी लाइफ में यार, ये खोल के रखा है 4 बार तो पंचर लगाया है इसमें। वो भी भाई से मेरे कहा था, मैं ये पंचर किट थोड़ी सी और बैजनाथ में ठीक कराया था, ये पूरा का पूरा हब चेंज करवाया था, ये फिर से नया लगवाया है ये पूरा का पूरा। और ये अभी लंबी पड़ी हुई है। तो जीवन में असमंजस ही, हर जगह पुट्ठी पाई की रखी है साइकिल। और ये देखो इनके लगे ना आनंद, तो आनंद तो ये ले रहे हैं जीवन के। ये देखिए यहाँ पे डब्बू इधर देखो, डेली अखी मत दिखा कर ले। और ऊपर से कैमरा ब्लर दोस्तों, दिखाता हूँ आपको कैसा है वेपर्स है इसमें, कभी कभी हट भी जाते हैं। दिख रहे हैं ये वेपर्स, ये जो ये। तो दोस्तों मैंने यही डिसाइड किया ना कि मैं काम तो करूंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगा, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग को फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए जो है वो एक स्पेसिफिसिटी, आपको लोकेशन और एक्सप्लोरिंग वीडियो, लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कॉन्टेंट के लिए जो है वो सर्वाइवल, मतलब कॉन्टेंट बनाने के लिए जो है एक यूट्यूबर को करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए तो मेरे को लग रहा है कि मैं डेफिनेटली फेल पाया जा रहा हूँ। और दीदी ने मेरे को कैमरा फ़ोन तो दिया अपना 14 Pro Max, बट पता नहीं क्या यार, आजकल किस्मत ना बड़ी वो चल रही है। एक कैमरा, इसका फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया, उसके बाद साइकिल ख़राब हो गई, साइकिल को पंचर लगाने के लिए दोस्तों बहुत सारी परेशानियाँ, पापा बीमार हैं, पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में यार। मतलब ना वेरी, मतलब कि टूट गया हूँ, बाजू यहाँ से दर्द कर रही है, पीछे पीठ में दर्द हो रही है। और देख सकते हैं आप, गोबर वाले कपड़े पहन के ब्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये लाइफ है। और मेरे को लगता है ना कि जैसे लाइफ, मतलब कि अगर गांव में जीवन व्यतीत करना है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है उस लाइफ को स्पेंड करने के लिए। और ऊपर से एग्ज़ाम नहीं कर रहे, अभी टैट का रिज़ल्ट आया 77 मार्क्स, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों अच्छा सा, जो कि लाइफ में मैं थोड़ा सा अपने जो है वो अर्निंग को एनहेंस कर सकूं और मोटिवेटेड रह सकूं। पैसे से थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता ही है इंसान को ना, लेकिन
काम से और दूसरों की एक मतलब कि जो रिस्पेक्ट होती है, दूसरों से रिस्पेक्ट गेन करना, वहाँ से भी एक इंसान मोटिवेटेड रहता है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कैसे कैसे ये ब्लॉगिंग चलती है दोस्तों। तो अभी तो मैं जाऊँगा, गाय का काम करूँगा और उसके बाद फिर तैयार होके घास वगैरह के लिए जाएंगे। तो मतलब कि वो गाय के काम में इंक्लूड है सारा का सारा ना। तो लाइफ ऐसी चल रही दोस्तों अभी तो ब्लॉग के लिए, मतलब कि मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। ग्रीन स्क्रीन के लिए पर्दा लेके आया हूँ लेकिन वो उसको भी यूज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ लाइफ में ना, तो बन नहीं पा रही चीज़ें। और पीछे मेरे को आयुष ने फ़ोन किया था कि भाई भाई मैं आऊँगा, वो भी पता नहीं कब आएगा। अब वो आएगा तो उसका भी एक सॉन्ग वीडियो है, उसकी शूटिंग के लिए आएगा वो, तो उससे भी मिलूँगा। तो देखते हैं, वो आएगा तो अच्छी बात है, बाकी फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत होती है और इस माध्यम से भी आप लोगों से भी जुड़ता हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे मिलते हैं, जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। और लाइक भी नहीं करते हैं, मतलब कि ठेंगा मिल रहा है आजकल, तो ठेंगा भी नहीं मिल रहा है ये फेसबुक यूट्यूब से ना। तो ठेंगा मीन्स कि लाइक, पैसे की बात तो दूर की है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करने के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स है जिसको अभी कवर करना है। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं और चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लाइफ यही है दोस्तों, डेडिकेटेड रहे, मोटिवेटेड रहे। और मेरा तो यही एजेंडा रहता है कि हमेशा लाइफ में जो है वो मोटिवेटेड रहूं। और थोड़ा सा ये कि भाई चलो, बाकी देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या बनता है, और बनाएंगे कुछ अच्छा सा जो आपको भी अच्छा लगे, खुद को भी अच्छा लगे। बाकी तो डेली लाइफ की रूटीन है जिसको पूरा करना है, और चैलेंजेस हैं, हार्ड डाई हार्ड चैलेंजेस हैं दोस्तों। ना कोई वर्कआउट है, ना कोई एक स्पेसिफिक रूटीन है, बट डिसिप्लिन है लाइफ में कि काउस के लिए जो है वो घास लेके आना है, मेन इंपॉर्टेंट। आजकल घर में हूँ तो गाय का काम है दोस्तों, और उसके साथ ही एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए शाम को जाके ट्यूशन्स देनी बच्चों को, उसके लिए भी थोड़ा सा बहुत अपने आप को भी जो है वो एजुकेटेड करना पड़ता है। एजुकेशन खुद को भी मतलब कि एजुकेट करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। प्लस वन प्लस टू का मैथमेटिक्स, डाई हार्ड चैलेंजेस दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, और अब MSc के भी फॉर्म भरे हुए हैं। उसका पता नहीं कहाँ चाची बोलेंगे मेरे पैसा डुबा दिया, अरे छोरे तूने, ए भैया क्या करेगा। चलिए अब बांधते हैं इसको और फिर मिलते हैं आपसे, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मूव में दोस्तों। पीछे मम्मा आ गए हैं झाड़ू मारते हुए। माता जी हाय, मम्मा लगे रहते हैं मेरे को, बोलते रहते हैं भाई काम किया कर, काम किया कर। अब हम जाएंगे घास के लिए। मम्मी ये जो झाड़ू है ना, झाड़ू दिखाओ मैं, ये जो झाड़ू है दोस्तों ये देसी झाड़ू है, यहाँ पे खजूर होते हैं ना उसका झाड़ू बना है ये, उसकी वो हरी जो छोटे छोटे खजूर ही नहीं होते हैं, आप जो डेट्स जो खाते हैं वो बड़ा होता है, इस पे छोटा छोटा होता है यहाँ पे ना, तो उसका बनाया हुआ है ये खजूरी का झाड़ू, इसको बोलते हैं दोस्तों पहाड़ी भाषा में खजूरी का झाड़ू। वर्थ रुपीज़ 120 या 100 इतने रुपीज़ का है, हैं 50 रुपीज़। इसको सुई से ना छोटा छोटा वो बारीक बारीक करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं ठीक ही लग रहा हूँ, कैमरा वैसे को लग रहा है कि ठीक ही है वैसे तो, है ना मामा? यस। शक्ल नहीं है ठीक, क्या करे। तो मैं करूँगा अपने मूड को थोड़ा सा एंगेज, सुनूंगा नाटी और उसके बाद करेंगे हम अपना काम, और फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे होके बदनाम। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको हमेशा जो है वो अपने मोटिवेशन को जो है पीक लेवल पे रखना पड़ता है। तो पूरा अब तो लगा दिया, मैं पता नहीं कौन सा था, पहले पहाड़ी सुन रहे थे। तो आप मम्मी का किचन भी दिखाता हूँ मैं। टोपी कैसे लगाई है आपने? काम कर रहे हैं यहाँ पे मम्मी, नहीं तो कॉपी राइट आ जाएगा। और दोस्तों मेरी साइकिल भी ठीक कर दी मैंने, पापा की टोपी लगाई मैंने, ये टन टन रेडी है। तो आज मैं इसी पे जाऊंगा बाजार की ओर, तो अभी तो जाना है घास के लिए ना, तो अभी घास लेके आऊंगा। और कैमरा जो है वो एक खराब ही हो गया है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं, चेक कराना पड़ेगा ये पालमपुर जाकर दोस्तों।
चलिए माता जी। कहाँ से है अंकल? हम तो जी उतराड़ा से है। उतराड़ा? हाँ जी। माई चामुंडा। ये किस उसमें जा रहे हैं आप? हाँ जी। किस उसमें फेरी लगा रहे हैं? ये बनारा होता है ना जी हमारा। हाँ जी हाँ जी। 26 तारीख बनारा है अब। अच्छा अच्छा, तब आते हैं जी हम। ठीक ठीक ठीक। उतराड़ा में ही? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो माता रानी दोस्तों, सुबह सुबह दर्शन श्री माँ चामुंडा। जय हो। जय माँ चामुंडा। ठीक है जी। जय माता दी। ये दोस्तों कल्चर और माता का भंडारा 26 तारीख को। तो हमने इसका ब्लॉग बना लिया है, तो कार्तिक राणा ब्लॉग बना ही लेता है दोस्तों। तो मैं साइकिल धो रहा हूँ पीछे। तो अच्छा, क्या है यहाँ पे? तो पेश है चमचमाती हुई साइकिल। तो ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या बनाया है मम्मी ने आज? बनाया है दलिया। 1 बजे तो 11:30 10 10:30 बजे तो मम्मी ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं मेरे को। क्या है यार मम्मा, आप फिर लेट हो जाते हैं ना घास के लिए। बोलो अब क्या है? लेट काम हो जाता है, कोई लेट नहीं होता ना। काम आपको थोड़ी ना होता है। खाते हैं दोस्तों दलिया, फिर मिलते हैं आपसे। तो वैसे तो बुलाता ना फिर सवेरे नाश्ता लगा साइकिल के पीछे पड़ा हुआ। खाना पूरा खा के अब हम जा रहे हैं स्कूल की ओर। स्कूल क्या, ट्यूशन सेंटर की ओर। तो आगे एक और बच्चा है, उसको भी बिठाना है। आज साइकिल लेके जाऊंगा, तो देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए दोस्तों चल दे। आज मैं साइकिल ठीक दियो, आज मैं साइकिल ठीक की, तो साइकिल पे जा रहे हैं। आगे पकड़ते हैं पारस को, बिठाते हैं साइकिल में, फिर चलते हैं आगे। मेरी मम्मी भी ना बच्चे को पढ़ाना भी साथ में ले जाना है ट्यूशन। चलो चलते हैं। ऐसे गुरु बैठे है तू आगे। तू भी बुरी पनिशमेंट दे दे मिंजो है ना। यस सर। कहो भाई मैं क्या बिगाड़े तेरा? फिर कुछ भी नहीं। तो फिर ही तेरी मम्मी क्या बोले, चले गए तो वापस आना पड़ेगा? यस सर। अच्छा तो अभी कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन सेंटर। अच्छा ठीक है। मजा आता है ट्यूशन में? यस सर। हैं? यस सर। ये दिखा बोलना, चले बाजार है चोन में। यस सर। बहुत बढ़िया। तू कंफर्टेबल है? यस सर। पक्का? यस सर। दादा ठीक है। हूँ बाजारे की जाना है, इन्हीं जाना है भाई की है? सर उतर जाऊंगा। क्यों? उमंग के साथ आना तुम्हें है? सर वो कहाँ जा रहे हैं? आ रहा है वो भी। टहरे अब पता नहीं खत्म हुई होनी है पारस। सर खोड़ों के बाग वहाँ पर खुली तो थी दुकान। चल आगे भरेंगे अब यार, आगे तो जगह ही नहीं है। आगे काम बना दे। तू ढंग से बैठूं सीधा हुई थी। चल पड़े घर को। अरे साथ में चला बोल ट्यूशन से ऑफ। चलिए अब चल भाई पारस। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं ट्यूशन सेंटर। जा रहे कि जाके आ गए हैं? जाके आ गए हैं अब। हाँ। चले हैं हम घर। सर साइकिल चला रहे हैं और मैं सर के साथ बैठा हूँ। इसको नीचे कर जरा, ऊपर से ऊपर से इसको 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 सर इसको। हाँ नीचे कर, दो बार और कर, एक बार बस, ठीक है ना? हाँ आगे बोलना अब। पैसे होते तो क्या बोलते सर, साइकिल में लेके जाते। फिर पीछे बोला दो साइकिल वाले और भी हैं। दो साइकिल वाले और भी हैं। हाँ जो साइकिल चला रहे बोलना, जो साइकिल चला रहे हैं। हम भी साइकिल में, बोला भी साइकिल में अभी, और हम घर जा रहे हैं। हाँ बस इतना ही बोलना आज के लिए। और आगे चढ़ाई आ गई है, आज के लिए इतना ही है, और आगे चढ़ाई आ गई है। हाँ तो फिर तू पकड़ ले फोन को, ले एक हाथ से पकड़ना, दूसरे हाथ को ही रख। वो सर चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं मोटर साइकिल। सर सर चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं और साइकिल को। हाँ सर बंद कर देते, कर दे बंद यार। ठीक है इसको दबा दो। हाँ तो दोस्तों घर पहुंच गया हूँ, अब थोड़ा सा ड्रेस चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं गाय के साथ, गाय के पास चलते हैं।
हीरो जनाब चलिए जनाब चलते हैं गौशाला की ओर। छाबू वो छाबू मम्मी बैठे थे यहाँ धोने के लिए, तो मम्मी को हमारी लात, तो मैं दूर रहूँगा इस गाय को, मैं वैसे रोज में ही दूधता हूँ। चलिए दोस्तों गा वगैरह दुई दाई की वेली हुई है, तो हूँ चले हाँ गा पाना गायों चलाओ भाई ये खुरली कने छुपाई ना होना ये गा बरुआ गा जाए बढ़िया छैल कने दूंबलिया चला था स्वागत करते गाय का। चलो चलो जा 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 मत देख ऊपर से आ नीचे आ शाबाश आ जा बस खड़ी है यहाँ पे, तो दोस्तों बांध लेता हूँ इसको, वो तो ऊपर खड़ी है। आ जा शाबू आ जा आगे आराम से चलो चला आराम में खागा। आपको मक्की की फसल दिखाते हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों घास के लिए, जोड़ा तो लिया थोड़े घा बड्डी की कने छलियाँ भी लगभग लगभग पक दी आई हैं कने इतु जड़े जी ना भिंडी कने और साग सब्जियाँ जड़ी जी थलियाँ तो क्ढी ली हैं माखू बड़े वो भाई कने सब्जियाँ कने भिंडियाँ कने दिखी सकते तुम छलियाँ जड़ी जी पकी हैं कने रुत जड़ी जी संगरांत की सहरी की आई ही है, तो बड़ा ही बढ़िया मौसम कने आ जाना उबन जोड़ा तो इतु तेना गा आदि भी लगी मैंने बढ़ना तह भी जट बढ़ने दो त्रै पुले कने फिर आई जाना घर वापस उइए हूँ गा जोड़ा च बढ़ने लायक। जोड़ा का गा तो जोड़ा का ही होंगे बाबा चला अली तो चाहिए बरखा हाँ। तो दोस्तों भाग्य भी दादा के नाम से इस खेत में तो आए, लेकिन इस खेत में जो है वो ये ऊंचा ऊंचा बरुआ घास बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा है और घास की कोई कमी नहीं होती दोस्तों हमारे यहाँ पे, बस काम करने वाला और घास काटने वाला चाहिए इंसान, तो भी फटाफट काटते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं स्थगित करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ नए उत्साह के साथ। कार्तिक राणा साइनिंग ऑफ दोस्तों, बाय बाय टेक केयर। लग गया था नहीं था थड़ी जो की सुन गया तक क्या कलांगे मिंजू पागल हो गया बोलना बतोया जागते चल तब बट दे गा कने फिर मिलते ना। तो घास काट के तैयार हो गया रेटा आ दे थोड़ी जी दराटियाँ अइया पसंद है गाय अंदर कने उन चुकना हाँ गाय का रेटा अठ पुले बड्डी बैठे तो आठ पुले आठ घास के वो गड्डियाँ काट दी छोटी छोटी, पर यार दोस्तों मेरे को पता नहीं था पहाड़ी में बोलूँ यार क्या, और फिर एक रीजनल लैंग्वेज को भी मतलब कि बढ़ावा देना तो बीच बीच में पहाड़ी आ जाती है चंद्रमा और दिन ढल जाए हाय याद सताए गाइयों दी याद सताए। और दोस्तों अपना ही मुर्गा बनाए ये कार्तिक राणा खुद का ही, तो बाकी अब कुछ कार्तिक राणा 2.0 जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉग से जो है वो काम तो बन नहीं रहा है। अथा माजे सटकली कार्तिक राणा अब यहाँ से खटकली फटाफट से जय भोले बाय बाय। दोस्तों गाय पाली तो ये काम तो करना पड़ेगा, तो मिलते हैं फिर जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अंधेरा हो गया है और बादल भी पीछे काफ़ी बढ़िया, और ये घास ऊंचाइयां छू रहा है कम से कम 10 फुट लंबा। क्या करें दोस्तों ऐसी जीवन।